2022 में बॉलीवुड की मूवीज बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो रही हैं, और वो भी छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बहुत बड़े बजट की मूवीज। लेकिन भाई साउथ की मूवीज भाई एक से एक आगे जा रही है। तो क्या बॉलीवुड का वक्त अब खत्म हो गया? एंड बॉलीवुड अब कमबैक कर पाएगा भी या नहीं? देखो यार, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, और बॉलीवुड में ऐसी कुछ यूनिक मूवीज बन रही है जिनकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो लिटरली भाई पूरा बॉलीवुड बदल सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको ऐसे ही बॉलीवुड की 5 अपकमिंग मूवीज के बारे में बताऊंगा जिनका प्लॉट काफी ज्यादा यूनिक है, और इनमें से पहली पिक्चर है भेड़िया। इस पिक्चर की स्टोरी एक भेड़िए पर फोकस करेगी, लेकिन वो भेड़िया कोई मामूली भेड़िया नहीं बल्कि एक बेयरवुल्फ है। बेयरवुल्फ एक ऐसा इंसान होता है जो कि अपना रूप बदलकर भेड़िया बन सकता है। हॉलीवुड में तो ऐसी ढेरों मूवीज हैं जिनमें बेयरवुल्फ दिख चुका है, बट बॉलीवुड में तो शायद ही कभी दिखा हो अब तक, क्योंकि अब दिखने वाला है भेड़िया मूवी में। और इस पिक्चर में बेयरवुल्फ बन रहे हैं वरुण धवन, पर इस पिक्चर से ज्यादा एक्शन की उम्मीद मत लगा लेना, क्योंकि ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी होने वाली है, और ये फिल्म 3rd पार्ट होगी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का। इससे पहले आई स्त्री और रूही भी इस यूनिवर्स का पार्ट है। भेड़िया को लेकर मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है इसके विजुअल इफेक्ट्स की, क्योंकि अगर भेड़िया के नाम पर ये जंगली कुत्ता दिखाएंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे वरुण धवन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, उसके भेड़िया वाले रूप की बात कर रहा हूँ। मजाक कर रहा था यार, बुरा मत मान जाना। देखो यार, इस फिल्म में VFX तो अच्छा होना ही चाहिए। अब इस पिक्चर का बॉलीवुड पर क्या असर पड़ेगा? तो देखो, अगर ये फिल्म हिट हुई तो बॉलीवुड में और भी हॉरर मूवीज बनेंगी, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि बॉलीवुड मूवीज में हमें वो कैरेक्टर्स दिखेंगे जो अभी तक सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में ही थे, जैसे पिशाच, प्याज नहीं भाई, पिशाच वैम्पायर्स। जब बॉलीवुड में बेयरवुल्फ आ जाएगा तो शायद पीछे पीछे ये भी आ जाए, और फिर यति जैसे कैरेक्टर्स भी। हालांकि ज़ॉम्बीज़ पर हमारे यहाँ कुछ फिल्में बन चुकी हैं, पर इतनी ज्यादा भी नहीं बनी, इसलिए अगर भेड़िया हिट होती है तो बॉलीवुड की मूवीज में काफी ज्यादा चेंज आ सकता है, और क्या पता बेयरवुल्फ के बाद वैम्पायर्स, यति, ज़ॉम्बीज़ और ड्रैकुला भी बॉलीवुड में नजर आने लगे, तो ये पिक्चर एक तरह से बॉलीवुड को बदल सकती है। आदि पुरुष, ये फिल्म बेस्ड होगी रामायण पर, जिसमें प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान लीड रोल्स में नजर आएंगे। बाहुबली के बाद से प्रभास का धंधा थोड़ा मंदा हो गया है, बट अब फिर से उनकी काफी तगड़ी तगड़ी मूवीज आ रही हैं, और आदि पुरुष भी उन्हीं में से एक है। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पिक्चर में सैफ अली खान के कैरेक्टर को देखने के लिए, क्योंकि वो और किसी का नहीं बल्कि रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड ये रोल उन्हें शायद तानाजी की वजह से मिला होगा, क्योंकि भाई उस पिक्चर में सैफ की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया थी। वैसे तानाजी के डायरेक्टर ओम रावत ही आदि पुरुष के भी डायरेक्टर हैं। आदि पुरुष का बजट है 500 करोड़, जो कि काफी सही है, और ये पिक्चर 2023 में रिलीज होगी। लेकिन इससे बॉलीवुड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या उसकी मूवीज में कुछ चेंजेस आएंगे? तो हाँ, ऐसे होने के काफी ज्यादा चांस हैं, क्योंकि आदि पुरुष रामायण पर बेस्ड है, और अगर ये हिट होती है तो हमारे पास ओल्ड स्टोरीज की कोई कमी नहीं है, जिन पर ज्यादातर प्रोड्यूसर्स फिल्म बनाना चाहेंगे, फिर चाहे उन्हें महाभारत का युद्ध लाइव एक्शन में दिखाना पड़े या फिर कृष्णा और कंस के राक्षसों की फाइट को। वैसे महाभारत पर तो एक मूवी ऑलरेडी बन रही है, पर पता नहीं वो रिलीज कब होगी। लेकिन हाँ, आदि पुरुष के बाद हमें ऐसी स्टोरीज भी देखने को मिल सकती हैं जिनके बारे में हमने बचपन में कभी सुना होगा। प्लस एक और रीजन ये भी है कि इस तरह धार्मिक कंटेंट की ऑडियंस बहुत ज्यादा है, और वो इसलिए है क्योंकि भाई आधे सीरियल्स तो रामायण, महाभारत या लॉर्ड कृष्णा की लाइफ पर ही बेस्ड होते हैं, एंड सीरियल्स हर घर में चलते हैं, इसलिए इनकी ऑडियंस भी ज्यादा है, और ये स्टोरीज हमने शुरू से ही सुनी है, जिस वजह से हमें पता होता है कि अब क्या होने वाला है। बस हम उसे एक बार अच्छे VFX के साथ विजुअली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब हाँ, अगर आदि पुरुष हिट होती है तो बॉलीवुड में हमें काफी सारी ओल्ड स्टोरीज की लाइव एक्शन अडेप्टेशन दिख सकती है। नागिन, नागिन सुनकर मोनी रॉय ना समझना, श्रद्धा कपूर की नागिन नाम की एक मूवी ट्रायोलॉजी आ रही है। देखो, नागिन नाम तो ठीक है, बस ये पिक्चर में जहर न उगले। एक ट्रायोलॉजी प्लान कर रहे हो तो स्टोरी बढ़िया होनी चाहिए। अब इस पिक्चर का नाम और स्टार कास्ट के अलावा और कुछ भी रिवील नहीं किया गया, पर मैं श्योर हूँ कि इस मूवी में हमें इच्छाधारी सांप जरूर दिखेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये श्रद्धा को कास्ट ही क्यों करते। देखो, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस फिल्म के VFX को लेकर है। इन्होंने कॉन्सेप्ट तो ऐसा उठा लिया, लेकिन क्या ये इसके साथ विजुअली जस्टिस कर पाएंगे? क्योंकि भाई पिक्चर का नाम नागिन है, तो फिल्म में श्रद्धा को कहीं ना कहीं आधे इंसान और आधे सांप के रूप में दिखाया जाएगा, और अगर मूवी में ऐसे मल्टीपल सीन्स हुए तो उनमें VFX का बहुत ज्यादा काम होगा। अब क्योंकि ये एक फीचर फिल्म है, ना कि कोई टीवी सीरियल, इसलिए इसके विजुअल्स को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए काफी तगड़े बजट की जरूरत होगी। पर क्या इसे इतना बजट मिलेगा? तो भाई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि नागिन का बजट सिर्फ 55 करोड़ रुपए होगा। सिर्फ 55 करोड़। देखो, नागिन के बाद एक चीज फॉर श्योर बदलेगी, और वो है इच्छाधारी सांपों पर मूवीज, क्योंकि इच्छाधारी सांपों की कहानियां लगभग हर इंडियन ने सुनी होंगी, पर फिर भी आजकल इन पर ना के बराबर ही मूवीज बनती हैं। इसलिए अगर नागिन हिट हुई तो इस कॉन्सेप्ट पर और भी लोगों का ध्यान जाएगा, जिस वजह से कुछ और एनिमल बेस्ड मूवीज बॉलीवुड में बनने लगेंगी, या फिर ऐसी फिल्में जिनका मेन कैरेक्टर इंसान और जानवर से मिलकर बना कोई हाइब्रिड होगा। बाकी भाई इच्छाधारी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसे जितना चाहो उतना ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। इसलिए नागिन एक ट्रायोलॉजी की जगह फ्यूचर में एक मूवी यूनिवर्स भी बन सकता है, और इसलिए ये फिल्म बॉलीवुड के लिए काफी बड़ा चेंज लेकर आ सकती है। Tiger 3 और पठान। अब यहाँ पर एक साथ दो मूवीज हैं, Tiger 3 और पठान। वैसे यहाँ पर पूरे स्पाई यूनिवर्स की बात करी जाए तब भी कुछ गलत नहीं होगा। अब आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि इन मूवीज में ऐसा क्या खास है जो ये बॉलीवुड पर अपना इम्पैक्ट डाल सकती हैं? ऐसी स्पाई थ्रिलर मूवीज तो यहाँ बनती रहती हैं। तो हाँ, ये बात भी सही है कि ऐसी फिल्में यहाँ बनती रहती हैं। लेकिन Tiger 3 और पठान को स्पेशल बनाता है इनका स्पाई यूनिवर्स में होना, क्योंकि मूवी यूनिवर्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ अलग अलग स्टोरीज और कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर होता है, और वैसा ही कुछ स्पाई यूनिवर्स में भी होगा। लेकिन ऐसा होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जिस वजह से मैंने पठान और टाइगर 3
थ्री को ही इस वीडियो में रख लिया। पठान के लीड एक्टर है SRK और टाइगर 3 के सलमान खान। एंड इन फिल्मों में स्पेशल ये है कि इन दोनों ही फिल्मों में दोनों ही एक्टर्स हैं। आई मीन पठान में सलमान खान का कैमियो है और टाइगर 3 में SRK का। एंड स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर में एक ऐसी फिल्म आएगी जहां भाईजान और SRK के साथ वॉर फिल्म से ऋतिक रोशन का कैरेक्टर भी होगा, और उससे बॉलीवुड पर ये इम्पैक्ट होगा कि एक फिल्म में हमें कई बड़े बड़े एक्टर्स एक साथ दिखने लगेंगे। जैसे वॉर में टाइगर और ऋतिक थे, बड़े मियां छोटे मियां में टाइगर और अक्षय हैं, और सेल्फी में अक्षय के साथ इमरान हाशमी हैं। पर स्पाई यूनिवर्स इस चीज को एक स्टेप और आगे ले जाएगा एंड हमें एक ही फिल्म में मल्टीपल लीड रोल्स दिखेंगे। देखो बॉलीवुड पहले से ही डाउन जा रहा है, ऊपर से इनके प्रोड्यूसर्स मल्टीपल एक्टर्स को एक फिल्म में कास्ट नहीं करते क्योंकि फिर उनकी फीस काफी ज्यादा हो जाती है। बट जब सलमान, शाहरुख और ऋतिक एक साथ एक फिल्म में आएंगे तो ऑब्वियसली पिक्चर तो हिट होगी ही, जो कि प्रोड्यूसर्स को एनकरेज करेगी एक ही फिल्म में मल्टीपल एक्टर्स को कास्ट करने के लिए। जैसा कि अभी नेटफ्लिक्स भी कर रहा है, वो मल्टीपल फेमस एक्टर्स को एक ही फिल्म में कास्ट करता है तो मूवी तो ऑब्वियसली हिट होनी ही है। तो हाँ, पठान और टाइगर 3 की सक्सेस के बाद बॉलीवुड मूवीज में भी कुछ ऐसा ही होने लगेगा। ब्रह्मास्त्र और दी इमॉर्टल अश्वत्थामा। अभी आदि पुरुष की बात करते हुए मैंने कहा था कि अगर आदि पुरुष हिट होती है तो हमें एंशियंट स्टोरीज और गॉड्स पर ज्यादा मूवीज मिलने लगेंगी। अब ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी भी हिंदू गॉड से ही कनेक्टेड है, पर इसका बॉलीवुड पर कुछ अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि पहले तो ब्रह्मास्त्र को लोग एक सुपर हीरो मूवी मानते हैं, इसलिए अगर ये हिट होती है तो जो भी सुपर हीरो मूवीज अटकी पड़ी है उन पर बहुत तेजी से काम होने लगेगा एंड कुछ नई सुपर हीरो मूवीज पर भी काम शुरू होगा। और ब्रह्मास्त्र से ही इंस्पायर्ड होकर कुछ ऐसी मूवीज भी बनने लगेंगी जिनमें एंशियंट गॉड्स का प्रेजेंट टाइम में रीइंकार्नेशन दिखाया जा सकता है, या फिर एंशियंट गॉड्स की पावर्स प्रेजेंट के कुछ लोगों को मिल जाएंगी जिसे ब्रह्मास्त्र में प्रेजेंट के लोगों के पास वो एंशियंट अस्त्रज हैं। आई मीन एंशियंट गॉड्स को प्रेजेंट से कनेक्ट करके काफी ज्यादा स्टोरीज बनाई जा सकती हैं। जैसे कि एक और फिल्म आने वाली थी, दी इमॉर्टल अश्वत्थामा। हालांकि इसमें स्टोरी प्रेजेंट की भी नहीं बल्कि सीधे फ्यूचर की दिखाई जाएगी, पर इसे होल्ड पर डाल दिया गया था। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि इस पर फिर से काम शुरू हो चुका है, और अगर नहीं भी हुआ है तो ब्रह्मास्त्र के बाद तो डेफिनेटली ही इसे कोई ना कोई प्रोड्यूसर मिल ही जाएगा। ब्रह्मास्त्र और दी इमॉर्टल अश्वत्थामा को मैंने एक ही जगह पर इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों काफी हद तक एक ही जैसी हैं। दोनों में ही एंशियंट गॉड्स को प्रेजेंट या फ्यूचर में दिखाया गया है। हालांकि ब्रह्मास्त्र में गॉड्स नहीं बल्कि सिर्फ उनके वेपन्स यानी अस्त्रास के बारे में दिखाया गया है, बाकी पूरी स्टोरी तो भाई मूवी में ही पता चलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र और दी इमॉर्टल अश्वत्थामा दोनों ही बॉलीवुड पर काफी सिमिलर सा इम्पैक्ट डालेंगी। अगर ये दोनों ही हिट हुई तो बॉलीवुड में साईफाई कंटेंट पर ध्यान दिया जाएगा, सुपर हीरो मूवीज भी थोड़ी बढ़ जाएंगी एंड हिंदू मिथोलॉजी को प्रेजेंट से कनेक्ट करके और भी ज्यादा मूवीज में दिखाने लगेंगे। अब यार यही वो मूवीज हैं जो मुझे लगा कि बॉलीवुड में कुछ चेंज लेकर आ सकती हैं। आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा यूनिक लगी कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।